ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज आपको एक ऐसा गुप्त मोहिनी मंत्र मैं आप बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी कोई भी मनोकामना जो है उसको पूर्ण कर देगा। और ये मंत्र गणेश जी का है। गणपति की साधना में आपको नाना प्रकार की सिद्धियाँ मिल सकती हैं। इस मंत्र को करने से सर्वजन वशीकरण होता है। सर्वजन आकर्षण के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जहाँ भी आप जाएं वहाँ पर आपका दबदबा बना रहे, आपकी लोग बात माने, तो ये जो मंत्र है इस मोहिनी मंत्र का प्रयोग आपको करना होगा। आपको क्या करना है कि किसी बुधवार के दिन सफ़ेद आग की जड़ ले आएं और उस जड़ पर इस मंत्र की साधना करनी होगी। इस साधना के उपरांत आपको वो सब मिल पाएगा जिसकी कभी आपने कामना की थी। इस मोहिनी प्रयोग से आपको सौंदर्य, रूप, तेज और नाना प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं जिससे कि आप किसी को भी मोहित कर सकते हैं। इसमें जो जप संख्या रहेगी वो रहेगी 21,000। आपको बुधवार के दिन श्वेताग की जड़ पर 21,000 बार इस मंत्र को जाप करना होगा और बुधवार से शुरू करके 21 दिनों तक ये मंत्र जो है आपको इसका गुंफन करना होगा। माला रहेगी रुद्राक्ष के ले लीजिए, मूंगे के ले लीजिए। और समय रहेगा दिन का कोई भी ऐसा समय जब आप ऑफिस से आएँ या फिर घर में बैठकर एक ऐसा हवादार कमरा बनाएं जिसमें कि आप ये कर पाएँ। अगर आपको तीव्र असर देखना हो तो कोई ऐसी जगह ढूंढिएगा जहाँ पर कि गुफा हो, कोई ऐसा वीराना हो, कोई ऐसा पहाड़ हो, कोई ऐसा जंगल हो, कोई नदी तट हो, यहाँ पर जो है रिज़ल्ट बहुत जल्दी आते हैं। तो ऐसी जगह पर करने से रिज़ल्ट बहुत जल्दी आते हैं। आपकी दिशा रहेगी पूर्व की दिशा। जैसा कि मैं बताता रहता हूँ कि आपको जो मुख है वो सूर्य की तरफ करके बैठना होता है। और जब भी इस साधना को शुरू करें तो सबसे पहले तो अपने भीतर से सारे तामसिक विचार जो हैं वो दूर कर दें। बिल्कुल सौम्य होकर इस मंत्र का जाप करें। किसी भी तरह का द्वेष, किसी भी तरह का लालच, ये सब जो है अपने भीतर से निकाल दें। किसी भी तरह का मादक पदार्थ, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट और किसी भी तरह की, अगर आप धूम्रपान करते हैं, दारू पीते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। साधना से पहले आपको इन चीज़ों का सख्ती से पालन करना होगा। अपने आहार पर ध्यान दें। मांस मदिरा को कतई ना छुएं, वरना ये जो चीज़ है ये भंग हो जाएगी और आपको लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। तो कभी भी जब ये साधना करें तो इन चीज़ों का परहेज करें। जब साधना प्रारंभ करें तो आपको एक ऐसा हवादार कमरा ढूंढना है जिसमें कि धूप आती हो और आप बिना किसी के डिस्टर्ब किए हुए उस वहाँ पर एक दो घंटा बिता पाएँ। और नीचे बिछाने के लिए आपको लाल आसन चाहिए होगा, वो ऊन का ले लीजिए, सूती का ले लीजिए, जो भी यथासंभव आप ले पाएँ आप ले सकते हैं। इसके बाद जो है आपको कुछ सावधानी जो मैंने बता दी इनका पालन करने के बाद आपको मंत्र का जाप करना होगा 21,000 बार। और इसके बाद कुछ ऐसा घटित होगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही प्रभावी, बहुत ही गूढ़ रहस्य से भरा हुआ ये जो आप गणपति बनाने वाले हैं, जो मोहिनी विद्या लगाने वाले हैं, ये अपने आप में ही एक अजूबा है। अब तक ये जो विद्या थी ये गुप्त रखी गई थी और आम जनता को इसकी भनक भी नहीं है। कोई एक आध ही ऐसा तांत्रिक होगा, कोई ऐसा विद्वान होगा जिसको कि इस विद्या का पता होगा। और आज मैं इसको पब्लिक कर रहा हूँ, इसके बाद इसके रिजल्ट्स मैं आपको बताऊँगा एक दो महीने बाद कि किस तरह के चमत्कार इस मोहिनी मंत्र ने लोगों को करके दिए हैं।
तो समय ना वेस्ट करते हुए चलिए मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। तो आइए मंत्र जान लेते हैं। इसको आपको कंठस्थ करना है और उसके बाद ही जो है इस प्रयोग को कीजिएगा। मंत्र है, ओम वर वरदाय विजय गणपतये नमः। इस मंत्र को बुधवार के दिन सफ़ेद आग की जड़ पर 21,000 बार जाप करना शुरू करें। प्रारंभ करें बुधवार से और 21 दिनों तक लगातार इस मंत्र जाप को जारी रखें। मंत्र रुकना नहीं चाहिए, समय कोई भी लीजिएगा लेकिन समय एक ही होना चाहिए। अगर शाम का ले रहे हैं तो वही समय होना चाहिए, अगर दोपहर का ले रहे हैं तो वही होना चाहिए। ये नहीं है कि आप आज सुबह करें कल शाम को करें, एक ही निश्चित समय पर एक ही निश्चित स्थान पर इस साधना को करना होता है। और इसके बाद जो गणपति बनेगा वो आपको वो सब दे सकता है जिसकी कभी आपने कामना की होगी। आपके सभी दुखों को ये दूर करने में सक्षम है। गणपति की कृपा जिस पर हो जाती है वो कभी भी किसी भी काम में पीछे नहीं रहता। आपके भाग्य सवरने शुरू हो जाएंगे। अगर गणपति आपके पास हैं तो वो सब आपको मिल सकता है जो कि असंभव सा लगता हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, रूप हो, विद्या हो, या कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा हो, कहीं पर मुकदमा आप पर हो गया हो, या फिर कोई ऐसा काम हो जो कि असाध्य हो, जो कि आपको लगता ही ना हो कि हो पाएगा, कोई ऐसी बीमारी हो गई हो, उसमें भी ये टोटका बहुत ही काम करता है। और किसी को मोहित करना हो, किसी को आकर्षित करना हो, तो उसके लिए ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसको कर देने से सामने वाला आपके आगे नतमस्तक हो जाता है। बस अगर किसी को अपने अधीन करना हो तो जब ये 21,000 संख्या पूरी हो तो उसके बाद आपको अपना मनोरथ स्पष्ट करना होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे फला स्त्री को अपने वश में करना है, या फिर फला पुरुष मेरे अधीन हो जाए। इस तरह की कामना आपको बतानी होती है मंत्र के आखिर में। 21 दिनों तक ये नियम दोहराएं और उसके बाद देखें किस तरह से सामने वाला खुद चलकर आपके पास आएगा। मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार भी देखे हैं कि पहले ही दिन से असर होना शुरू हो जाता है। ये जो मंत्र है ये अति गोपनीय था लेकिन आज आप सबको इसका पता लगा है, तो इसको जो है आप जितना अधिक हो सके प्रयोग कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपके लिए इसने शीघ्र अतिशीघ्र कैसे काम किया और किस तरह के आपको इससे एक्सपीरियंस हुए। तो अगर आपको मंत्र समझ में ना आया हो, कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं info@mohiniwidya.com पर। और कुछ पूछना हो तो कॉल कीजिएगा 9992841625 पर। धन्यवाद।